हरे भरे पेड़ जो सालों साल से सड़क पर लगे हैं, जिनको ना काट कर भी काम चलाया जा सकता है या फिर कोई रास्ता बिना पेड़ काटे निकाला जा सकता है। ऐसे सवालों के साथ पेड़ों पर लगे ये पैम्पलेट अपनी व्यथा बयान कर रहे हैं। महाराजपुर शहरी क्षेत्र है जहां से वाहनों का आना जाना लगातार बना रहता है। दादा धनीराम मंदिर से महाराजपुर बस स्टैंड तक पेड़ों की कटाई की जा रही है। कुछ पेड़ काट दिए गए, कुछ कटने बाकी हैं। कुछ नागरिकों द्वारा इन पेड़ों की कटाई का विरोध किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि ये पेड़ 50 से 80 वर्षों के हैं, जो कि किनारे लगे हैं, उन्हें काटा जा रहा है, जो गलत है। अपने जो नगर परिषद ने जो आदेश किया है, कलेक्टर मैन का आदेश था, तो उसमें आपने क्या बोला था कि हम वो झाड़ काट रहे हैं जो रोड में आ रहे हैं, और ये तो रोड से बाहर है, आप खुद देख सकते हैं आप। तो उसमें ऐसी क्या बीमारी हो गई जो आप काटने की इच्छा हुई आपको? ये कोई औचित्य नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली है नगर परिषद की, और ये विकास के नाम पे जो धांधली चल रही है उसके विरोध में आज हम सब युवाएं हैं, हम लोग सब महाराजपुर की जनता है। हम ये झाड़ नहीं कटने देंगे किसी भी हाल में, चाहे इसके लिए हम जो लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, हम नहीं कटने देंगे बस। क्योंकि महाराजपुर में रोड चौड़ीकरण का काम चल रहा है, ये अच्छी बात है, रोड चौड़ीकरण होना चाहिए और अच्छी व्यवस्था होना चाहिए, मगर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ महाराजपुर में अपन जब निकमंडला से महाराजपुर आते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे झाड़ लगे हैं, तो लोग आके दो मिनट खड़े होकर धूप में छाया का एहसास ले, मतलब बड़ा सुकून ले लेते हैं। और अब ये स्थिति अब चौड़ीकरण कर रही है रोड नगर पालिका प्रशासन, तो ये झाड़ों को काट रहे हैं और लगभग 40 से 50 झाड़ कटने का है लोगों का। पहले तो 100 से ऊपर काटने का था, अभी बाद में जानकारी मिली 40-50 झाड़ काटेंगे। मगर हमारा ये कहना है कि जब रोड के जो किनारे झाड़ हैंगे, फुटपाथ की तरफ आ रहे हैं, उन झाड़ों को बिल्कुल ना काटा जाए और झाड़ों को यथावत रहने दिया जाए, जिसमें कि महाराजपुर में लोग आते हैं तो कम से कम झाड़ों की छाया में अच्छा लगता है। अपन देखते हैं मंडला में, मंडला थाने के सामने साइड जो रोड चौड़ी हुई है वहाँ पे बहुत सारे झाड़ थे, वो झाड़ वहाँ कट गए, तो आज स्थिति यहाँ की वहाँ इतनी गर्मी लगती कि वहाँ खड़े होने के लिए मतलब खड़े नहीं हो सकता आदमी, बहुत ज़्यादा गर्मी वहाँ पर। तो ऐसी स्थिति महाराजपुर में ना आए कि झाड़ काट दें और पूरा लोग धूप में परेशान होना चालू हो जाएँ। अभी हमारा अभी फिर अभी आगे 3-4 झाड़ कट गए हैं इसके PHE के सामने, और आगे भी झाड़ काटना चालू है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि झाड़ों को बिल्कुल ना काटें, जो झाड़ अगर बीच में आ रहा है तो उसको आप बेशक देख सकते हैं, हमारे जो झाड़ किनारे फुटपाथ के किनारे आ रहे हैं या रोड के किनारे आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो पेड़ कटने का पुरजोर विरोध करेंगे और इसकी शिकायत कलेक्टर से करेंगे, वहीं न्यायालय की शरण में भी जाएंगे। कई वर्षों से नगर पालिका द्वारा पौधारोपण नहीं किया गया है। नगर पालिका CMO का कहना है कि हम सड़कों के बीच में आने वाले पेड़ काट रहे हैं, वहीं अब सड़क निर्माण के बाद सड़कों के दोनों तरफ पौधारोपण करने की बात की जा रही है। ये अभी दादा धनीराम से लेकर आंगन किराए तक जो कायाकल्प योजना के अंतर्गत रोड निर्माण किया जा रहा है, रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है, उसमें कुछ पेड़ आ रहे हैं जो बीचों बीच में आएंगे उनको काटेंगे, नहीं तो फिर जो किनारे पे हैं उनको वैसे भी छोड़ दे रहे, कोशिश करेंगे कि उनको जितने कम से कम पेड़ कटे। इसके अलावा भी जब रोड का काम हो जाएगा तो रोड के दोनों साइड से हम लोग वृक्षारोपण अलग से भी करेंगे ताकि उसकी भी भरपाई की जा सके। जो हमने विषय वस्तु देखा वहाँ पे जाकर देखा जमीनी स्तर पे, तो काफ़ी किनारे के पेड़ भी लोग काट रहे हैं, मतलब विभाग द्वारा काटा जा रहा है? नहीं, हमने तो संबंधित ठेकेदार विरोध प्रदर्शन किया इस बार। हाँ नहीं, तो इसी संबंध में हमने किनारे के पेड़ों के लिए स्पष्ट मना कर दिया है, ठेकेदार को बता भी दिया है कि किनारे के पेड़ नहीं कटेंगे, सिर्फ जो रोड के बीच में आएगा उसी पेड़ को काटेंगे। अच्छा सर, नगर पालिका ने पहले क्या पेड़ लगवाए हैं या कोई पौधारोपण हुआ पिछले 5 वर्षों में? नहीं, वहाँ उस रोड पे तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जगह पे हुआ है, कुछ अलग अलग जगह पे हुआ है। अच्छा, इस तरह की जो जानकारी मिल रही है लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आगे फिर क्या? नहीं, इसीलिए अभी क्या है, रोड के किनारे में पेड़ नहीं काटेंगे और इसके अलावा वृक्षारोपण भी लोगों के साथ मिलकर ही वृक्षारोपण भी उसी रोड पे किया जाएगा। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, साथ ही ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अब इस तरह हो रही पेड़ों की कटाई पर क्या निगम विचार करेगा? क्या विरोध के बाद कोई तरकीब खोजी जाएगी? ये देखने वाली बात होगी। पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।